भी बोला सर, आप कैसे बोले तमाशा न करें। हम कहाँ तमाशा कर रहे हैं सर, खड़े हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग आतंकवादी बता रहे हैं। हमें कोई गाल नहीं, आप आतंकवादी या रोड बना, उस दिन नहीं आप लोग आए थे आतंकवादी बताने, आतंकवादी या पहले जब रोड बनाया था लेकिन आप बाबा जी के आगे पीछे घूम रहे थे। अगर हम लोग आतंकवादी तो यहीं पे गोली मार दी हम लोगों को, बस सीधी बात है हम लोगों की। हमारे जैसे उपद्रवियों के साथ संघ बनाना है, तुम्हारे जैसे उपद्रवियों के साथ। हाँ ठीक है, रहने दो हम लोग उपद्रवादी, जो भी हम लोगों को रहने दो, आप जाइए। आप लोग आतंकवादी बता रहे अभी हम लोगों को। नहीं शर्म हम लोगों को कहेगी, किनारे हो जाइए, कांवड़ आ रही है, किनारे हो जाइए तुरंत। सर मैं नेतागिरी नहीं कर रहा हूँ, सर मैं नेतागिरी नहीं कर रहा हूँ, ना मैं नेतागिरी में हूँ, सर ना मैं। आज सुबह मोटरसाइकिलें भाई हैं सर, ये सर पैदल क्यों जा रहे हैं सर, फिर पैदल जाने के लिए स्थिति है इसलिए छोड़। तो सर पैदल ही हम मोटरसाइकिल ले जाएंगे सर, मोटरसाइकिल पैदल ही ले जाएंगे। नहीं सर मोटरसाइकिल पैदल, एक बंदा ले जा रहा था, पैदल ले जा रहा था वो भाग गया। सर चलो हम आप मोटरसाइकिल हमारी उधर पहुंचा दो, हम पैदल चले जाते हैं। आप अब सर किसी ना किसी चीज़ से करो, ये देखो इसको सर भाड़े वाले ने गिरा, जो 50-50 रुपए पे सवारी निकाला है, आगे खड़ी कर देता है, तुम ही जिम्मेदार बन जाओ। सर हम अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं ना, सर हम अपनी जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं। सर मैं आप नागरिक हैं, सर मैं नागरिक हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी, प्रशासन कह रहा है तो उसको माने। सर हम मान रहे हैं आपकी बात, हम ऐसा नहीं मान रहे, हम मान रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि पैदल मोटरसाइकिल ले जाएंगे। चलिए जब हम कह रहे हैं ले जाएंगे, सुबह प्रशासन ने रोका, सुबह प्रशासन ने सर बात हुआ नहीं सर, सर सुबह सर आप फिर वही कह रहे हो नेतागिरी, सर नेतागिरी। सर जी मेरी बात सुनिए, सर जी मेरी बात सुनिए, नेतागिरी नेता करते हैं, पानी आया नहीं 10 रुपए का, नेतागिरी वो लोग करते हैं, हम लोग नेतागिरी सर नहीं करते हैं, हम आपको बता दें। ये रोड सुरक्षित नहीं है सर, नहीं है सुरक्षित, सर नहीं है सुरक्षित, मैं मानता हूँ नहीं सुरक्षित है सर, नहीं सुरक्षित है सर, यहाँ पे पकड़ाएं सर 300-300 रुपए हम लोग उधर घूम के आ जाते हैं, बताइए सर बेवजह बात करेंगे तो उसका उत्तर नहीं। यूपी का लखीमपुर खीरी एक बार मुड़ तो विवादों के विच आ गया, जिथे किसानों के प्रदर्शन के कारण लखीमपुर खीरी काफी ज्यादा सुर्खियों के विच सी, उत्थे हुण सिखां नूं अतवादी कहण के मुद्दे ते एक बार फिर तो लखीमपुर खीरी काफी सुर्खियों के विच आ गया। दस दिए कि इत्थे एक सिख नौजवान के नाल पुलिस मुलाजमान की बहस हुंदी है, तो बहस तो बाद कहा जा रहा है कि पुलिस मुलाजमान ने सिखां नूं अतवादी कह दिता है, तो यूपी पुलिस के उत्ते एक काफ़ी गंभीर इल्जाम लगे ने। लखीमपुर खीरी च सिख भाईचारे ने हुण प्रदर्शन भी इसनूं लैके शुरू कर दिता है, तो यूपी पुलिस के कुछ मुलाजमान ने सानू अतवादी कहा। यह प्रदर्शनकारियों का कहना, उन्होंने कहा कि जे असी अतवादी हाँ तो सानू गोली ही मार दिओ, तो प्रदर्शनकारियों के वलों तिखा प्रदर्शन शुरू कर दिता है ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਪੱਲੀਆ ਭੀਰਾ ਕਸਬੇ 'ਚ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਿ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਕਾਵੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। यहाँ पर धरने पे बैठे, क्या है पूरा मामला? मेरा नाम जगदीप सिंह है और हम लोग यहाँ पे इसलिए बैठे कि हमारे साथ में बदसलूकी करी गई है। मैं और मेरा परिवार गुरुद्वारे महंगेपुर साइड में गए थे मत्था टेकने के लिए। वहाँ से हम वापस अपने घर के लिए रवाना हो रहे थे। जब हम अपने अतरिया फाटक क्रॉस किया, वहाँ पे पानी चल रहा था। उधर से हम निकल गए थे, अच्छे खासे निकल आए थे, बाइक अच्छे से निकल आई थी। और इधर से हमें नहीं जाने दे रहे थे पुलिस वाले, रोक रहे थे, बोल रहे थे निकासन होके जाओ। 15 किलोमीटर का सफर हम 100 किलोमीटर तय क्यों करेंगे? जब बाइक जा रही है, आसानी से जा रही है, तो हम इतना सफर तय करके क्यों जाए? बस इतनी बात बोलने पे उन्होंने हमारे बाइक की चाबी निकाल ली और बोले अपनी बाइक छोड़ो, अपने सिपाही को बोले जाओ मोटरसाइकिल जाके सारी खड़ी करो। क्या आरोप है आप लोगों का पुलिस पर? किन आरोपों की वजह से यहाँ बैठे? क्या ऐसा कहा गया? क्या बात हुई? उन्होंने हमको आरोप हम लोगों का ये है कि वो हम लोगों को साथ में बदसलूकी क्यों करते हैं। एक तो उन्होंने हमें धक्का मारा, ठीक है, हम बीच रोड में नहीं खड़े थे। उन्होंने हमें धक्का, अगर करना तो साइड में आराम से साइड में करते, उन्होंने हमें धक्का मार के साइड में करा। उसके बाद एक बार साइड में करने के, एक बार धक्का मारने के बावजूद दोबारा फिर उन्होंने हमें धक्का मारा। और ऊपर से हम लोगों को वो उपद्रवी कहते हैं। अगर हम लोग उपद्रवी हैं, अगर उपद्रव मचाते हैं तो ये पुलिया टूटी थी, इसमें हम लोगों ने सहयोग क्यों किया? फिर नहीं, हम उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप लोग लगातार अभी चौकी चौराहे तक गए, एक नारा लगा रहे हैं, ये शब्द कहा गया क्या? वैसी बात हुई है क्या? बिल्कुल कहा गया। हर एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, वीडियो इसलिए वायरल हो रही है। तो क्या उस समय ये बात किसने कही थी आपसे? अपने कोतवाल पलिया। अच्छा, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि जिस हिसाब से ये गंदी जुबान का अपना उपयोग करते हैं, इनको बर्खास्त किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इनके।